Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. पिछले साल रिलीज हुई फिल्म कबीर सिंह ने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई कर कई सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। इस एक फिल्म ने शाहिद कपूर को उनके करियर की सबसे बड़ी हिट दी थी, लेकिन जिस फिल्म को इतना पसंद किया गया था उसको लेकर जबरदस्त बवाल भी था। समाज के एक तबके ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि फिल्म में शाहिद कपूर ने कियारा आडवाणी पर हाथ उठाया था। उस थप्पड़ वाले सीन को लेकर काफ़ी बवाल भी हुआ था। अब पहली बार उस थप्पड़ विवाद पर कियारा आडवाणी ने रिएक्ट किया है। कुछ दिन पहले कियारा नेहा के टॉक शो पर आई थी। वहाँ पर उन्होंने अपनी फिल्म कबीर सिंह को लेकर विस्तार से बात की थी। कियारा ने बताया था कि ये जो फिल्म उनकी जिंदगी में हमेशा खास रहने वाली है। इस फिल्म की जगह उन्हें पहचान मिली। कबीर सिंह के बाद ही उन्होंने गुड न्यूज़ और गिल्टी जैसे फिल्मों की है। इंटरव्यू में नेहा धूपिया ने कियारा से फिल्म में थप्पड़ वाले सीन के बारे में पूछा था। उस पर कियारा ने सफाई पेश की, उन्होंने पहली बार विवाद पर चुप्पी तोड़ी है। कियारा कहती है कि फिल्म में कबीर सिंह को एक गुस्से वाले इंसान के रूप में दिखाया गया है। उस किरदार को बड़े पर्दे पर ऐसा ही दिखाया जाना था, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि लोगों ने इसे सिर्फ एक थप्पड़ के रूप में देखा। यह सिर्फ एक थप्पड़ के बारे में नहीं था, फिल्म के दूसरे हाफ में सब कुछ जस्टिफाई कर दिया गया था। अब मालूम हो कि जिस विवाद पर कियारा सफाई दे रही हैं उसको लेकर लोगों में काफ़ी गुस्सा था। लोगों की नज़रों में इस फिल्म के जरिए महिलाओं के खिलाफ नफरत फैलाई जा रही थी, लेकिन अब कियारा ने इस विवाद पर विराम लगा दिया है। कबीर सिंह को लेकर विवाद जितना भी क्यों ना हो रहा हो, लेकिन इस फिल्म ने दर्शकों के लिए दिल में अलग जगह बनाई थी। फिल्म ने कई सारे अवार्ड अपने नाम किए थे। फिल्म को हर कैटेगरी में कुछ ना कुछ अवार्ड मिला है। ऐसे में इसे अब सिर्फ एक ब्लॉकबस्टर के रूप में याद किया जाता है। न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.